नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। सजेती थाना क्षेत्र के यादव मार्केट में चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। थाना सजेती के पास यादव मार्केट में चोरों ने दो दुकानों को बनाया निशाना, बनाते हुए उड़ाया लाखों का माल। आपको बता दें कि अनमोल ऑटो पार्ट्स और आकांक्षा मोबाइल शॉप, दो दुकानों के शटर तोड़कर घटना को चोरों ने दिया अंजाम। दुकानदार को पड़ोसी दुकानदार ने दिया है घटना की जानकारी। जानकारी होने पर डायल 112 को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और चोर पकड़ने का आश्वासन दिया। मोबाइल शॉप रिपेयरिंग के मालिक इंद्रपाल पुत्र विद्यासागर निवासी ग्राम गुरैयनपुर में और अनमोल ऑटो पार्ट्स के मालिक प्रदीप कुमार पुत्र राम जीवन निवासी हसगहा के हैं। दोनों लोगों की दुकानें यादव मार्केट में स्थित हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए कानपुर से रविंद्र यादव की रिपोर्ट। पिताजी, क्या नाम है आपके? ग्राम गुरैयनपुर। क्या घटना हुई है आपके? ये कि कल हम दुकान को खोले हुए थे जी, करीबन 7 बजे तक दुकान खोले हुए जी। 7 बजे के बाद गए तो अभी बगल भाई दुकानदार अनुज भाई ने फोन किया कि भाई आपकी दुकान की शटर टूटी हुई है, आप जल्दी से दुकान पे आ जाओ और देखो क्या है क्या नहीं। अब आप तो देखिए सामने क्या है क्या नहीं, दुकान में कुछ सामान ही नहीं बचा है। मोबाइल शॉप की दुकान थी, उसमें से शायद मेरे हिसाब से बैटरी बैटरा तक कुछ भी नहीं छोड़े, सब कुछ ले गए। बैटरी एयरफोन कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी दुकान देख रहे सामने। वैसे आप लगभग कितने का सामान होगा? सामान करीबन पौने 2 लाख के आसपास होगा। अच्छा, हाँ, और कुछ पैसा तो वादियों का। क्या घटना हुई है आपके साथ? अरे, मेरी दुकान में चोरी हो गई, चोरी हो गई है, पूरा सामान ही चला गया। कहाँ के आप निवासी हैं? असगहा। अच्छा, ये दुकान आपने कितने दिन पहले रखी थी? 5 महीने पहले। अच्छा, तो लगभग कितने का आपका सामान का नुकसान हुआ जो चोरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया? 1.5 लाख के ऊपर। अच्छा, चलिए ठीक।